चलो उठो। नमस्ते, आज के हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ एक जरूरी काम के लिए और देखो ताजी ताजी सब्जियां सुबह सुबह कितनी अच्छी आई है। तो अब मैं बात करती हूँ कि मैं किस काम के लिए इधर आई हूँ। मैं बनवाने आई हूँ चैतन्या की माखी। ये हाथ में पहनाते हैं चैतन्या को और ये ना काफी दिन से मैंने बनवाई नहीं थी और धागे में बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि पता नहीं धागा कब टूट जाएगा और ये कहाँ गिर जाएगी, तो क्यों ना मैं इसको फिर से बनवा लेती हूँ जिससे ये अच्छी मजबूत हो जाएगी। करेले काटने का काम मम्मी ने दिया है और ये हमारे घर के ताजे करेले, ये देखो काटने में एकदम लग ही नहीं रहा है कि कहीं भी मेरा चाकू रुक ही नहीं रहा है, देखो और बीज भी नहीं है ज्यादा इसमें। मैंने इतनी मेहनत से करेले काटे लेकिन वो आज नहीं बनेंगे, उसका रीजन भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आ गया, खुश रहो। देर लेट आया तू? अरे वो पापा आए तो रुक गए थोड़ा। पापा तेरे पापा नहीं आए? ए इधर आ जा। ये तो सालू दीदी ने दिए थे। गांव से आई है ये एकदम ताजा ताजा छाछ, मेरे को घी जैसी लग रही मम्मी ऊपर से पीली पीली है ना, इसमें आ गई। अरे एकदम ताजा ताजा गाड़ी भी है, मक्खन भी निकला अंदर। आज हम गांव के, इसकी मम्मी है ना, अब अपन कड़ी बनाएंगे ठीक है। ताजी मिल गई है तो स्वादिष्ट लगेगी, पी लेना ना, तो सबकी कड़ी थोड़ी बनेगी, पी लेना आधी, पी लेना आधी की कड़ी बना लेंगे। क्यों बनाना, अच्छी दूसरी चीज बनाओ हमको खाना, शाम को बनाएंगे ना तेरे। ये तो लग गई ओबी के साथ खेल में और कड़ी, और हम लोग बनाने वाले हैं बाटी। ये है मक्का की बाटी और कड़ी हम इसकी बनाएंगे अभी कुछ देर बाद। चलिए तो मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से कड़ी। क्या हुआ, बना कि नहीं बना कुछ? वो इधर बन रही है कड़ी, कड़ी बाटी। दाल नहीं बनी आज बाटी के साथ में? मक्की की बाटी है, मक्की की बाटी के साथ कड़ी बनेंगे और आज व्रत बार रखते हैं, गाय की पूजा करेंगे और मक्की की बाटी। बदबारस के दिन मक्के की बाटी के साथ कड़ी खाते हैं गाय की पूजा करके, गाय की पूजा करके, और आज गेहूं की रोटी नहीं बनती तो शाम को भी हमको यही खाना है। आज कड़ी और मक्की की रोटी बनाने के बाद शाम तक का खाना हमारा बना हुआ है, तो मम्मी ने बोला कि क्यों ना मैं इसकी टकलू कर देती हूँ, क्योंकि ना इसके बाल ही नहीं आ रहे हैं, इतनी बड़ी हो गई है, 2 साल की होने आ गई लेकिन इसके बाल ही नहीं आ रहे। तो किसी ने कहा है कि इसके ना सिर पे एक दो बार उस तरह घुमा दो, उससे फिर बच्चे के बाल आ जाते हैं। तो बाल ले जाने से तो रहे हम इसको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करती रोती भी है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, आज हम लोग फ्री हैं तो मैं ही कर देती हूँ इसकी टकली। आपके पास चुपचाप बैठी है तो, ये लेकिन मम्मी के पास ना आराम से बैठी है, इसको ना रो रही है ना ये इरिटेट हो रही है, कुछ नहीं, बस आराम से बैठी है और बोले जा रही है हाँ नानी अभी इधर से काटो, अभी इधर से काटो। और नयन, मैं और मम्मी, हम तीनों लगे हुए हैं इसको, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, नयन इसको कुछ ना कुछ गेम मतलब बता रहा है, या थकाल दे रहा है, या फिर बिंदिया वगैरह दे रहा है कि चलो ठीक है इधर देखो उधर देखो, लेकिन इतना ज्यादा इसने परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। नीचे देखो, वो नीचे का देखो, नीचे का एक ही है, एक पापा के पास है। चिप्स लाएंगे, चिप्स लाएंगे।
बाल तो कटवा लो। बस आप ये तो मशीन से करो। क्यों भाई, ये कपाल का तो बाल है, फिर ये कपाल तो ऐसा। चलो चलो चाबी का। बाबू स्माइल, बाबू स्माइल, बाबू स्माइल। उधर कहाँ तुम? उधर कहाँ बाबू कहाँ? कौन है वहाँ पे? वो कौन? चलो साई को भी लेके आओ, साई गंजी करेगी। काफी देर हो गई थी तो अब ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, कहती है मुझे उठाओ उठाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसको, इसका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर रही हूँ कि किसी न किसी बहाने ये सिर्फ 2 से 3 मिनट और बैठे रहे तब परेशान कर रही है। अब चलो अब हो चुकी है इसकी फाइनल पूरी गंजी, तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और ये देखो मैंने मेहंदी भी लगाई, मैं आपको ना बताना भूल गई। तो चलो मिलते हैं आपसे कल, अभी के लिए नमस्ते। आज का ब्लॉग कैसा लगा और चैतन्य टकलू में कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।